प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज मेरा टॉपिक है मसीह में नई सृष्टि, नया बनना। कई बार हम अपने प्रयास करते हैं कि हम नया बने और हम बदल जाए, हम अपने आप में कोशिश करते हैं बदलने के लिए, लेकिन नहीं होता है, नहीं बदल पाते। हम अपने कोशिश से, हम अपने बलबूते से कुछ भी नहीं कर सकते, हम खुद नहीं बदल सकते। जब तक मसीह, जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में ना आए, जब तक हम परमेश्वर को ना जाने, तब तक हम नहीं बदल सकते। एक बार यीशु मसीह एक व्यक्ति को, निकोदेमुस को बोलता है, यदि मनुष्य नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर की राज्य को नहीं देख सकता है। नए सिरे से जन्म होना, नए सिरे से पैदा होना, नए सिरे से जन्म लेना, इसका मतलब क्या है? हम दोबारा माँ का पेट में जाकर के जन्म ले सकते हैं? दोबारा माँ का पेट में जा सकते हैं? नहीं। एक बार हमारा शरीर का जन्म हो जाता है, दूसरा बार हम आत्मा में जन्म लेना। वो आत्मा में जन्म लेने का मतलब जो होता है, यीशु मसीह को ग्रहण करना, परमेश्वर को ग्रहण करना। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। परमेश्वर हमें नया एक सृष्टि बनाना चाहता है, नया एक व्यक्ति बनाना चाहता है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने सारा चीज नया बनाया। बहुत बार हम लोगों को कहते हैं, क्या आदमी को बनाने से पहले, मनुष्य को बनाने से पहले, इस संसार को बनाने से पहले स्वर्ग नहीं था? स्वर्ग था, लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने नया आकाश, नया स्वर्ग, नया पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। इसका मतलब उसको पवित्रकरण करना, उसको शुद्धिकरण करना। स्वर्ग में पाप आया, स्वर्ग में गलत आया। जब लूसिफर ने, जब शैतान ने सोचा कि अब मैं इसके ऊपर में भी एक सिंहासन बनाऊंगा, एक स्वर्ग बनाऊंगा जहां पर मैं बैठूंगा, मैं राज्य करूंगा, उसके अंदर में एक छोटा सा घमंड आया। उसके बाद वो जगह अपवित्र हो गया, परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। उसके बाद फिर परमेश्वर ने नए तरीके से उसको शुद्धिकरण किया, नए तरीके से उसको बनाया। एक दिन फिर प्रभु यीशु मसीह आएंगे और प्रभु ने कहा कि इस पृथ्वी को नया बनाएंगे, नया पृथ्वी होगा, नया आकाश होगा। नया का मतलब परमेश्वर इसको फिर शुद्धिकरण करेंगे, पवित्र बनाएंगे, और हम लोग पवित्रता के साथ में परमेश्वर के आगे में आराधना करेंगे। इसलिए परमेश्वर के पास में आने से पहले हमें परमेश्वर के लहू से अपने आप को शुद्धिकरण करना है, अपने आप को पवित्र बनाना है, अपने आप को शुद्ध करना है। परमेश्वर के लहू से हमारे पाप को धो डालना है, उसके बाद हम पवित्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। पुरानी बातें जो हमारे अंदर में, जो पुराने स्वभाव है, पुरानी आदतें है, पुराने सोच है, पुराने विचार है, उसको त्यागना है, उसको त्याग करके हम प्रभु के सम्मुख आना है। अगर जब तक हम उसको ना त्यागे, तब तक हम परमेश्वर के राज्य नहीं देख सकते, परमेश्वर को नहीं पा सकते, परमेश्वर के करीब नहीं आ सकते, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। इसीलिए हमें हर चीज को त्यागना है, हर चीज पुरानी बातें, जो भी पुरानी आदतें हैं, आपको लड़ाई करने वाली आदतें, झगड़ा करने वाली आदतें, चुगली करने वाली आदतें, चोरी करने वाली आदतें, झूठ बोलने वाली आदतें, इन सारे आदतों को त्याग कर करके एक नए व्यक्ति बन करके, एक नया मनुष्य बन करके परमेश्वर के पास आना है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, अब हमारे जीवन में कोई पुरानी बातें नहीं होना है। कई बार बेटा माँ को मारते पीटते हैं, माँ बाप बच्चों को मारते पीटते हैं। कई बार हम घर में गलत शब्दों को प्रयोग करते हैं, गलत गाली गलौज करते हैं, अभी तक भी पुरानी चीजें हैं हमारे जीवन में। इन सारी पुरानी बातों को त्याग करके हमें नया बनना है, नया व्यक्ति बनना है, नया परमेश्वर के जन बनना है, पवित्रता में हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर यही चाहता है, तब जाकर परमेश्वर हमारे शब्दों को, हमारी आवाजों को
सुनेंगे। हालेलुया, थैंक यू सभी को।